أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين إن شاء الله آج کا موضوع ہوگا ولاية تكوينية اور إن شاء الله اسے دو episodes میں کریں گے کیونکہ جو ہے کافی material اس میں کرنا ہے अगर सबसे पहले हम अपने आप से पूछते हैं कि विलायत तकमीनिया क्या है ये एक टर्म है जो आजकल के ज़माने में बहुत जो है इस्तेमाल की जाती है बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं अहल मेंबर जो है बार बार इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं और इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं आम, विलायत के नाम में कर रहे हैं क्योंकि जो है अहल अलिम ज़ाहिर उलिया हैं और उनके पास विलायत है मगर विलायत का क्या मतलब है विलायत के मुखलिफ मतलब हैं मगर एक जनरल मतलब जो विलायत का होता है वो होता है अथॉरिटी तो उनके पास एक अथॉरिटी है तो क्वेश्चन यह है कि क्या अथॉरिटी है वो तो अगर हम क्लासिकल पीरियड में देखें तो विलायत की अथॉरिटी इज अथॉरिटी ऑफ रोल मॉडल या ये कह लें मोरल अथॉरिटी तो उनके पास वो मोरल स्परिचुअल अथॉरिटी के लोग जो है देखें कि वो किस तरीके से जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और जो है वो उसके मुताबिक करें तो ये एक्चुअली स्टेटस जो है मेनली प्रॉफिट अलैहि वसल्लम का है इसलिए हम कहते हैं कि वी फॉलो द सुन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम, मगर क्योंकि अहरबैत जो है वो उनके बेस्ट एग्जाम्पलर्स थे तो जो उनने सुन्नत पीछे छोड़ी थी जैसे माम हुसैन आलाम ने खुद कहा कि मैं जो हूँ आई हैव रिजन अपना इनकलाब ला रहा हूँ कि जो सुनत है मेरे नाना की उसे जो है करने के लिए उसे वापस लाने के लिए तो अब्लाम आल की वो पोजीशन है कि जो है उनके पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं उनकी लाइफ में ऑफ फॉलोइंग कुरान एंड सुन्ना। तो जिस तरीके से कुरान ने बताया है जिस तरीके से हुजूर मोहम्मद वसल्लम ने बताया है तो उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी फॉलो करते हैं वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और ये उनकी मॉरल स्पिरिचुअल विलायत है कि वो कुरान और सुनना सिखाते भी हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं तो विलायत तकवीनिया क्या है विलायत तकवीनिया जो है वो एक बिल्कुल इससे मुख्तलिफ चीज़ है इसका मतलब ये है कि आप के पास जो है पूरी कायनात के ऊपर अथॉरिटी है एक बादशाह का बादशाहत की अथॉरिटी कि अब जो है पूरी कायनात के जो एटम्स है जर्रात हैं वो सब आपके सामने झुकते हैं और जो आप उनसे कहें जो आप उनसे करवाना चाहें वो करते हैं ये है विलायत तकविनिया तो अहले मेंबर जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि अहल अलैहिस्सलाम के पास विलायत तकविनिया है पूरी कायनात के ऊपर तो अगर ये बात सही होती है तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने जो है उन्हें कुलफा यकून दे दिया है कि वो किसी चीज को भी कह दे कि तुम हो जाओ और वो हो जाएगी तो इतना बड़ा क्लेम करना जो है आपके पास जो है कोई बहुत वाकई पुख्ता सबूत होना चाहिए आप बस किसी इधर आधर की हादिसों पे जो है यह क्लीमिंग कर सकते हैं तो क्या सबूत है जिसके बेसिस पे जो है कहा जाता है तो इनशा Talk about this whole subject. तो सबसे पहले तो यह है, मतलब है कि खुदा ने किसी को कुछ मुआवजा दे दिया ना ही इसका मतलब यह है कि खुदा ने किसी को एक महदूद जगह में एक महदूद वक्त के लिए बादशाह जैसे नबी सलीमान को दे दी इसका मतलब यह है कि पूरी कायनात के एटम्स जो है वो आपके सामने झुक रहे हैं और जैसा आप चाहें वैसा वो कर रहे हैं और बल्कि इससे आगे बढ़ ये भी कहा जाता है कि अगर जो है इमाम जो है मौजूद नहीं है तो जो है पूरी कायनात जो है डूब जाएगी क्योंकि जो है वो कायनात जो है वो इमाम के हुक्म पे चल रही है और इमाम के होने से जो है वो कायनात जो है वहां पे है और इट फॉलोज वट हीज कमेंट एस और वो इसे लिफ्ट कर रहे हैं और वो चल रही है तो एक तरीके से ये भी कह लें कि चला रहे हैं उसे या उसमें जो चाहे वो चल, चला रहे हैं अपनी मर्जी से और इसमें जो है उनका इरादा है उनकी मर्जी है अच्छा इसमें ये भी आता है कि अच्छा उनका इरादा जो है क्या बिल्कुल खुदा के इरादे से बंधा हुआ है या उनका एक अपना इंडिपेंडेंट इरादा है तो जब विलायत तकवीनिया के आ, आ, जो लोग उसे फॉलो करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं तो कहते हैं कि अहल बैतु वाम का जो इरादा है वो बिल्कुल वही है जो खुदा का इरादा है तो आगे जाके इस एपिसोड में अगले एपिसोड में हम इस मामले को भी देख लेंगे कि क्या ये बात सही है कि हमेशा जब भी जो है प्रॉफिट ने अहल बैत ने इरादा किया है वो हमेशा जो है वही इरादा है जो खुदा का इरादा है और ये तो खैर बहुत ही आसान है आ, साबित करना कैसा नहीं है हम आगे जाके जो है इसके बहुत एग्जाम्पल देंगे मगर यहाँ क्योंकि इस बात का जिक्र अब कर दिया है तो बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल वो है जो इमाम हुसैन आलाम का है कि उन्होंने करबला में कोशिश की थी कि एक हद तक के जो है या तो हम जो है इस सिचुएशन से बच जाएं या फिर किसी तरीके से जो है अ हमारी जो है विक्ट्री हो जाए मगर एक पॉइंट आया हाँ जब उन्होंने रियलाइज किया दिस इज था था। कियापनिंग तो खुदा का इरादा इससे मुख्तफ है एंड देन ही यह कहना कि हमेशा जो है उनका इरादा बिल्कुल वही होगा जो खुदा का इरादा है दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक बट हम इसके जो है स्ट्रॉग पुख्त दलाल कुरान से ना देंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फिलहाल हम अपने सामने जो है ये बात रखना चाहते हैं कि तकवीनिया जहाँ पे जो है इन जिसे दी जा रही है जिसका इरादे के बेस पे जो है वो जैसा चाहे बादशाह पूरे कायनात पे ये इसमें और फरिश्तों में क्या फर्क है इसमें और फरिश्तों में ये फर्क है कि फरिश्ते को जो आम्र दिया गया है जो हुक्म दिया गया है वो उसे बजा लाता है ओनली देट देट ही हैजोल्ड जो उसे जो है अथॉरिटी दी गई है या उसे हुक्म दिया गया है कि ये करो ही डज that, वो बजा लाता है और फरिश्ते का अपना कोई इरादा नहीं होता है कि मैं इरादा करूं कि अब ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं वो चलता है खुदा के इरादे के मुताल तो वो अपनी तरफ से नहीं लाता है कोई नई चीज जो खुदा ने हुक्म दिया है वो उसके मुताबिक करता है कि ये मेरा हुक्म है मिसाल के तौर पर अगर मौत के फरिश्ते हैं अंडर मलाइुल मौत तो उनके हुक्म है कि आप जो है ये ये इंसानों के ऐसे ऐसे जो है रुए निकालें डू दैट या बारिश के फरिश्ते हैं आप बारिश लाएं इन इन जगहों में लाएं ऐसे ऐसे लाएं वो नो वो बजा लाते हैं तो जिस जिस फरिश्ते को जो है हुक्म दिया है अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि इन पैगम्बर के पास जाएं उन पैगम्बर के पास जाएं ये पैगाम पहुँचा पहुँचाएं जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे वो करते रहते हैं दियर गॉड्स इंटेलिजेंट रॉबोट्स तो अल्लाह जैसे कहते हैं करते हैं ये इस बात से मुख्तलिफ है कि इंसान किसी को एक बादशाह बना दे और कह दे कि अब कायनात आपके हाथ में है जो चाहे करो तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि अगर विलायत तकवीनिया सही होती अगर ये बात सही है तो इसका मकसद क्या है क्या यह तोहफा है कि जो है एक तोहफा दिया गया है अब अहिलम जो चाहे दुनिया में जैसा चाहें कर सकते हैं जैसे ये कहें कि नबी सुलेमान को एक तोहफा दिया गया था उन्होंने एक दुआ की थी और खुदा ने उन्हें यह तहफा दे दिया था कि महदूद इलाके में सटिन चीजें जो है वो कर सकते थे विचव सुपर नेचुरल और उन्होंने ये दुआ भी की थी कि जो है ये एक ऐसा मुल्क हो जो सिर्फ मेरे पास हो किसी के पास ऐसा मुल्क जो है ना था ना ना हो ना हो किसी के पास और न था इस किस्म का मुल्क मुझे दिया जाए उसकी भी हम आगे जाके गफ्तू करेंगे मगर अब हमारे सामने ये सवाल सबसे पहले पेश आता है कि क्या यह तोहफा है विलयत तकवीनिया या ये एक जॉब है ये दो चीजों में से है। अगर यह हुआ तो या तो यह तोहफा होगा या फिर ये एक जॉब होगी तो अगर यह तोहफा है तो हमें देखना चाहिए कि जैसे कुरान में जिक्र है प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था जो हमने इल्म गैब के लेक्चर्स में भी जो है इस बात का जिक्र किया था कि अगर मेरे पास इल्म गैब होता तो मैं तो अपने लिए बहुत बेनिफिट करता और कोई हार्म मुझे नहीं आता बहुत फ़ायदे होते मुझे और कोई मुश्किल जो है मुझे नहीं छूती और हमने देखा कि ऐसे सिचुएशन ही है तो यही बात जो है विलयत तकमीनिया में भी जो है अप्लाई होती है अगर विलायत तखवीनिया तोहफा हुआ तो अगर तोहफा हुआ इसका मतलब ये है आप जैसे उसे इस्तेमाल करें तो ये तो मेरे ख्याल से काफी जाहिर है कि तोहफा नहीं है आ, मगर बहरहाल कुरान की आयतें भी देखेंगे इस सिलसिले में दूसरी चीज ये है कि क्या ये जो है जॉब है कि जैसे खुदा ने कहा कि ये है, अच्छा ये ये जो है अच्छा अभी ये करो जैसे फरिश्तों को भेजा उनसे जो है उन्हें हुक्म दिया कि ये करो वो करो तो फिर ये बात सामने आती है कि अगर ये जॉब है तो जो है ये जॉब करने के लिए तो फरिश्ते मौजूद हैं बल्कि इसी के लिए फरिश्ते मौजूद हैं खुदा फरिश्तों को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है जो से जॉब्स करवानी होती हैं कायनात चलाने के लिए कायनात चलाने की जो जॉब्स हैं वो सारे फरिश्ते कर रहे हैं खुदा के हुक्म पे कर रहे हैं तो फिर इसमें जो है इमाम कहाँ आते हैं अहले बैत कहाँ आते हैं तो ना ना तो ये तोहफा पे बैठती है बात ना ये जॉब पे बैठती है और अगर जो है ये एक चीज़ थी जो दी जा रही है तो किस मकसद दे दी जा रही है क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप जो है अपने आप को जो चाहे फ़वाद पहुँचा दें और अपने आप को जिस किसी मुश्किल से है बचा लें तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद और उनके अहल बैत वो ये नहीं कर पाए वो अपने आप को नहीं बचा पाए उनके ऊपर मुश्किलें आईं, शहीद हुए और वो अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा पाए जहां पे वो पहुँचा सकते थे तो इस मामले में ये कैंसल हो जाता है तो फिर यह है कि अच्छा तो क्या ये विलायती तकमीनिया इसलिए दी गई कि जो है वो अपने जो करीब के लोग हैं अपने अजीज हैं अहबाब हैं अपने दोस्त हैं उन्हें फायदा पहुंचा दें उन्हें मुश्किलों से बचा दें तो हम देखते हैं कि ये भी नहीं हो पाया जैसे इमाम के जमाने में जो है बहुत से लोग जो है बनी हाशिम के गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें मालूम था कि जो गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे हैं तो उनका कत्ल होने वाला है बी तो जो है इस इस सोच से कि उन्हें क्या होने वाला है और यह क्या हो रहा है उससे जो है वो फेंट हो गए बेहोश हो गए बिकॉज इट वॉज सबल न्यूज जो किस्म की खबर जब वो उन तक पहुंचाएगे कि ऐसे ऐसे किया जा रहे हैं तो वो नहीं बचा पाए और जिस तरीके से इमाम हुसैन जो है करबला में अपने अहबाब अपने अजीजों को नहीं बचा पाए तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि विलायत की वायतम एक ऐसी चीज है जो दी गई है कि जो आप अपने दोस्तों को अहबाब को अजीजों को जो है बचा लें या उन्हें फायदा पहुंचा दें वो भी नहीं है अच्छा तो क्या ये ऐसी चीज है जो दी गई है कि आप अपने सपोर्टर्स अपने शिया, अपने मानने वाले अपने चाहने वाले को बचा लें मुश्किलों से और उन्हें फ़ायदे पहुँचा दें तो देखते हैं कि ये भी नहीं है क्योंकि जो है उनकी खुद जिंदगी में जो है कितने हजारों थाउज़ेंड्स और अगर आप देखें अर्ली पीरियड ऑफ़ इस्लाम लाखों जो है शीयो का कत्ल हुआ तो बचा पाए नहीं नहीं बचा पाए उन्हें मुश्किलों से ना ही उन्हें फ़ायदे पहुँचा पाए और ये कंटिन्यू हुआ है थ्रू आउट हिस्ट्री के जो है मुख्तलिफ जगहों पर इस पर किताबें लिखी गई हैं मेरे ख्याल से आ, आगा आ, शेख जवाद मकनिया की आ, और और भी किताबें हैं जहाँ पे जो है मैसेकर्स डिटेल किए गए हैं और बल्कि हमारे शेयर कम्यूनिटीज में तो बहुत ही आसान है आप किसी से भी पूछ लें बहुत से लोग जो है आपको नरेट कर पाएंगे यहाँ पे शियो के साथ ये किया जा रहा है यहाँ पे ये जोन किया जा रहा है तारीख में यहाँ पे ये ज़ोन किया गया था वहां पे ये जोन किया गया था तो बिलातिया ने नहीं बचाया किसी को और ना ही फायदा पहुंचा पाए तो हम देखते हैं कि किताब में जगह जगह पे आपको इंसिडेंस मिलेंगे हदीस लिटरेचर में और फिर एनेकडोटल एविडेंस के तौर पे भी लोग कहेंगे यू इस मकाम पे जो है इमाम ने ये फ़ायदा पहुँचाया इस मकाम पे इमाम ने जो है फलाना को जो है बचाया तो ये जो किस्म के एनेक्डोट्स हैं सबसे पहला तो यह है कि मोस्ट ऑफ देम जनरली आर अनरिलायल बल्कि सभी जो है जनरली अनरिलायल और दूसरी बात यह है कि अगर जो है इनमें से कुछ बातें सही भी होती आ, या फिर जो है ये कहा जाए कि ये, ये बातें सही हैं तो इसका क्या मतलब होता कि जो है उन्होंने विलायत तकमिया जो है सिर्फ चंद वेरी इस्तेमाल किया नाइनटीन 99 केसेस में जो है वो नहीं कर पाए यू नो नोज से साबित हो जाता है कि ये जो कहानियां हैं या कहानियां हैं कहानियों से ज्यादा नहीं है अगर आपको जो है ये देखना है कि वलायत तकविनिया एक ऐसी चीज है जो दी गई है अपने उन्हें के जो है अपने सपोर्टर्स को बचाएं उन्हें फायदा पहुंचाएं तो जो है वो नहीं हो रही है क्योंकि तारीख जो है वो भरी हुई है जो है जुल के साथ कि पे जुल्म हुआ वहां पे जुल्म हुआ इस तरीके से कत्ले आम हुआ यहाँ पे so so लोग मुश्किल में थे लोगों को फायदे नहीं पहुंच पाए so so तो ये ना तो ये कहा जा सकता है कि वलायत तकवीनिया जो है उन्हें कोई फायदा पहुँचा रही है या उन्हें किसी चीज से बचा रही है ना यह कहा जा सकता है कि उनके अहबाब अजीज दोस्तों को कोई फायदा पहुंचा रही है या उन्हें बचा रही है किसी चीज से ना उनके सपोर्टर्स मुहेब चाहने वाले उन्हें कोई इससे जो है फायदा हो रहा है या वो जो है इसकी वजह से बच रहे हैं तो फिर ये क्या है इसका क्या मकसद है और ये क्यों है ये सारी बातें सामने क्या ये बस ऐसे ही है कि जो है हमें जो है अः डाइटिडस्टर पे जो है चाहिए क्योंकि जो है जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि जो भी आप कह लें अहल बैत के लिए आप कह लें अलावा इसके जो है कि आप उन्हें खुदा के हैं बस उन्हें कहें कि खुदा के सर्वेंट है और उसके अलावा जो चाहे कह लें कि इनके पास सभी कुछ है और जो चाहे कर सकते हैं दुनिया के सारे जर्रा उनके सामने जो है वो बोकर तो ये जो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है कि ये है भी क्यों अगर ये है इसका मकसद क्या है वो यही जो है आंसर नहीं कर सकते जो लोग इसके सपोर्टर्स हैं सपोर्टर्समी नहीं है के आम, वो कहेंगे कि हाँ हमें जो है हमारे पास एविडेंसेस हैं हदीस लिटरेचर में कि उनके पास थे नहीं है मगर वो एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आंसर कर सकते कि अच्छा ये इसका मकसद क्या है क्या ये तोहफा है अगर तोहफा है तो फिर आप जैसे चाहें उसे इस्तेमाल करें आपने अपने आप को क्यों नहीं बचाया आपने औरों को क्यों नहीं बचाया आम, और अगर ये है कि नहीं ये जॉब है खुदा खुदा ने जो दी हुई है तो इस जॉब का कहाँ जिक्र है खुदा ने कभी कुरान में जो है इसका जिक्र नहीं किया बल्कि कुरान में आपको कई जगह पे मिलेगा आप सर्च कर लें जरूरी नहीं है कि मैं आपको रेफरेंसेस दे दूं इस पर क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है आप सर्च कर लें कई आयतें आपको मिलेंगी जहाँ पे अल्लाह से कह रहा है कि इन लोगों को बता दो कि मैं तुम्हारे ऊपर वकील नहीं हूँ तुम्हारी वकालत करने के लिए

आपके मैं आपके अफेयर्स के ऊपर वकील नहीं हूं नॉट अ वकील ओवर यू आप देख लें कुरान में सर्च कर लें वकील के ऊपर आपको जगह जगह कई जगह आपको मिल जाएगा ये ये जहां पर वापस अच्छा सका है कि इन्हें बता दो ये तो ये बात कहां से आ रही है फिर क्यों कह रहे हैं कि जो है ऐसा है जब वो खुद जो है वो बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है तो अगर तोहफा है तो जाहिर है कि जो है इट्स नॉट फिटिंग क्योंकि फिर जो वो कर सकते हो अगर जॉब है तो ये भी नहीं आ रही है कि जो है जॉब है, वकील नहीं, तो नहीं होतेप्टे तो कॉन्सेप्ट ये ये है, है या पुराने जमाने में भी यह कॉन्सेप्ट था तो पुराने जमाने में यह कॉन्सेप्ट था मगर ये जो टर्मिनोलॉजी है विलायत तकमीनिया ये इस्तेमाल नहीं होती थी ये एक बहुत रिसेंट टर्मिनोलॉजी है पुराने जमाने में जो है द uh, टर्मिनी जो इस्तेमाल होती थी जो बिल्कुल फिट करती है क्योंकि विलायत तकवीनिया एक काइंड kind टर्मिनोलॉजी of, um, है मगर इसका जो एग्जैक्ट वर्ड जो फिट होता है पुराने जमाने में क्लासिकल पीरियड में वो है तफ़वीद और तफवीद का मतलब यह है डेलीगेशन ऑफ पावर्स तो अल्लाह सुहां तो ने डेलीगेट कर दिया कि मैं जो हूँ मेरे पास कनफा यकून है मैं पूरी कायन को चलाता हूँ ये सब मेरे आ, आ, पावर पर जो है कायम है और जो चाहे मैं करूँ ये पूरी कायनात के जरत जो हैं वो खुदा के कुमैन को सुनते हैं तो खुदा ने ये डेलीगेट कर दिया कि अब मेरे अलावा ये मोहम्मद व आल मोहम्मद के पास भी है क्योंकि डेलीगेट कर दिया है तो इसे कहते हैं तफवीद डेलीगेशन ऑफ पावर्स कि मेरे पास तो है ही है ही मगर मैंने डेलीगेट भी कर दिया है अब जो है प्रॉफिट मोहम्मद के पास भी है उनके के पास भी है और जो ग्रुप इसमें मानते थे तफवीद में तो उसी लव से तफवीद से जो है बनता है मुफविदा मुफविदा यानी के तफवीद में मानने वाले और मुफविदा जो है इमामों के जमाने में भी थे लेटर इमामों के जमाने में तो जैसे आठवें इमाम इस्लाम के सामने ये बात आई तो उन्होंने बाकायदा कर्स किया मुफविदा को और कहा कि यह मुशरकिन है जो इस किस्म की बातें करते हैं तफवीद की बातें करते हैं कम्प्लीटली रिजेक्टेड एंड उट no. इट uh, तो फिर जो है ये क्यों जो है रिसर्च कर रहा है और ये कैसे रिसर्च कर रहा है तफवीद के नाम में रिसर्च नहीं कर सकता क्योंकि जो है वो इसके बारे में तो लिटरेचर है कि इमाम ने इसे बिल्कुल शन कर दिया है और मुफविदा को कर्ज कर दिया है उन्हें मुश्किन कह दिया है तो ये सर्च हो रहा है एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ विलायतिया टेक्नोलॉजी के साथ और लोग इसमें बह जा रहे हैं दिस तो क्या इसके सबूत हैं और इसका क्या मतलब है और लोग जो है सब, सबसे पहले जो है जब आप इसकी बात करेंगे आवाम के साथ तो या अहल मेंबर के साथ आवाम तो जो है अहले मेंबर को फॉलो करती है जो अहले मेंबर कहता है अनफॉर्चुनेटली uh, हम ये इसलाह करना चाह रहे हैं कि आप आप सोचें समझें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करें जो ये आपको बताया जा रहा है तो अहले मेंबर जो है अमूमन सबसे पहली चीज जो रिस्पोंड करें वो कहेंगे देखें बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं इस बात को कह रहे हैं तो अगर जो है मिसाल के तौर पर अगर खुमैनी इस बात को कह रहे हैं या कोई और बड़ा स्कॉलर जो गुजरा है वो इस बात को कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस बात में दम है हमें यह बात समझ लेनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि क्योंकि किसी बड़े स्कॉलर ने यह बात कही इसका मतलब ये नहीं है कि अब यह बात सही है आप ये नहीं कह सकते कि को कोई बड़ा स्कॉलर जो है वो मिस्टेक नहीं बना सकता है कह सकते हैं वो बहुत बड़ा स्कॉलर है वो मिस्टेक नहीं बना सकता वो क्या ये जब वो कहता है कि जो है ईसा अल इस्लाम जो है वो आ, खुदा के बेटे हैं इज दैट नॉट अ बिग मिस्टेक दैट ही कैन मेक अच्छा अगर आप आप शेयर सर्कल्स के अंदर जो है गुफ्तु करें तो आप ये नहीं कहेंगे कि अहले सुन्नत के स्कॉलर्स ने बहुत बड़ी मिस्टेक बनाई कि वो ये बात समझ नहीं पाए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहले खलीफा होना चाहिए था क्योंकि वो अफजल थे और, और उनके स्टेटस ज़्यादा था तो आप कहेंगे कि पोप ने भी मिस्टेक बनाई आप कहेंगे कि हिंदू के, के, के स्कॉलर्स ने भी जो है पंडितों ने बहुत बड़ी आ, मिस्टेक बनाई शेख मब्तल्ला हो गया आप कहेंगे कि अहले सुन्नत के, के, के जो है उन्होंने मिस्टेक बनाई तो सबके स्कॉलर्स मिस्टेक बना सकते हैं आपके स्कॉलर्स मिस्टेक नहीं बना सकते हैं ये ये, ये क्या चीज़ है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं बल्कि हर एक ग्रोह जो है वो ये कह देता है हर एक जो है इसमें जो है गिर जाता है कि हाँ हमारे स्कॉलर्स जो कह रहे हैं वो सही हो सही नहीं ऐसे नहीं है बल्कि ये साबित किया जा सकता है इन हम इस बात को सामने लाएंगे आगे के एपिसोड्स में कि स्कॉलर्स बड़ी मिस्टेक्स बना सकते हैं और बनाई हैं मिसाल के तौर पे आज जो है जितने स्कॉलर्स हैं वो सब कहते हैं कि जो है कुरान एक बिल्कुल सिक्योर किताब है और ये बिल्कुल हमारा फाउंडेशन है मगर सैकड़ों साल तक वो हंड्रेड ऑफ यीज शीत में यह था कि नहीं कुरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है ये सिक्योर किताब नहीं है ये महफूज किताब नहीं है ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया इसमें तो तहरीफ हो गई और किताबें भरी हैं हदीसों के साथ ये साबित करने के लिए कि कुरान में तहरीफ है तो आप ये बताएं कि पुराने स्कॉलर्स में जो जय जी मिस्टेक नहीं बना सकते थे बनाई हैं उन्होंने इनशाला हम इसकी भी बात करेंगे मगर हमारा पॉइंट इस वक्त ये है कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं ला सकते हैं कि बड़े स्कॉलर्स ने कहा है तो बस हो गया बड़े कितने कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं लोगों को जन्म ले जाएंगे राइट क्योंकि अगर कोई एक बड़े स्कॉलर को फॉलो करे क्योंकि उस स्कॉलर ने कहा कि ईसा जो है वो खुदा का बेटा है और फिर इंसान उस शिरक में मुतला हो गया अब वो जहन जावेद उसने कहा कि मैंने तो एक बड़े स्कॉलर को फॉलो किया था और उसने यह कहा था तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने एक बड़े स्कॉलर को फॉलो किया था अकीदा में हमने अपने अंदर धुन आके बंद करके जो है अपना अकीदा जो है एक बड़े स्कॉलर पे बांध दिया था तो ये आपको नहीं बचा पाएगा खुदा कहेगा मेरी किताब थी इससे बड़े आयात क्या हो सकते हैं आयातल्ला जो है वो आयातल्ला के से ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप आयातुल्लाह को फॉलो करें और उसके बाद जो कोई भी आयातुल्ला साहब कहेंगे जो आयातुल्लाह के मुताबिक चलता है तो फिर आप उसे फॉलो कर सकते हैं मगर अगर आयातुल्ला और आयातुल्ला टकरा रहे हैं तो फिर आप कैसे फॉलो कर सकते हैं तो अकीदा जो होता है और इतने बड़े अकीदे कि आप कह दें कि जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास जो है कुनफ़ यकून है या इक्विवेलेंट ऑफ कुनफ़ यकून है तो ये आप किसी बड़े स्कॉलर के फॉलोइंग पे नहीं कह सकते आपके पास इसके लिए एक पुख्ता जो है सबूत होना पड़ेगा तो क्या है तो इस मामले में जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारे पास अदीसें हैं अब हादिसों की सिचुएशन हमने पहले भी बयान की है कि हमारे आध, जो कॉर्पस है उसकी बेजतर मेजॉरिटी सिर्फ ये नहीं कि मजॉरिटी बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ अहािस अनरबल तो इसमें से जो है अगर जो है आपको रिलायबल हैव टू सी सही मुतवा और इसमें कोई सही मुतवा हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि उनके पास विलायतें तक नहीं है बल्कि कुरान कहता है जिन में आया ट्वेंटी वन जो अल्लाह सुनता ने प्रोफेट से कहा कि लोगों को बताओ कि लमली रशदा मेरे पास ना तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने की कोई चीज है ना तुम्हें नुकसान बचाने की कोई चीज़ है आई डो दैट पावर ये इस एक आयत से पूरा विलायत तकमीनिया जो है वो इस वास्ट अवे पूरी विलायत तकमीनिया का कॉन्सेप्ट डूब जाता है और ऐसी और भी आयतें हैं कुरान में तो फिर जो है ये कैसे कह कहा जा सकता है कि उनके पास विलायत है स्कॉलर्स जो है वो इसका क्या जवाब देते हैं तो हम आपको बता देते हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं उनका जवाब ये है कि कुरान में एक्सेप्शन है और जब एक्सेप्शन हैं तो इसका मतलब ये किया जा सकता है और वो कहेंगे कि आपके पास एक्सेप्शन है इन खजर इन सुलेमान, इन आसिफ बिन बरख़िया इन, आ, इन आ, आपको बहुत अजीब जबरदस्त चीजें नज़र आएंगी इस्लाम की जिंदगी में मूसा इस्लाम की जिंदगी में इब्राहिम आलाम की जिंदगी में मुख्तलिफ मुख्तलिफ वाक़ात जैसे इब्राहिम आलाम से कहा गया था कि आप चार चिड़िया लें इनके पीसेस करें मुख्तलिफ जो है पहाड़ों पर डालें और फिर उन्हें पुकारें और वो आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल और फिर आ, और भी जो है दलाई लाए जाएंगे हम इन सारी चीजों को अगले एपिसोड में इनशाला डिस्कस करेंगे मगर कहेंगे कि क्योंकि ये चीजें हैं हम इन्हें गिन सकते हैं एज एक्सेप्शन कि अल्लाह सुहा जो है वो विलायत तकवीन जनरली नहीं देता मगर दे देता है और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ये साबित करने के लिए के उसने दी हैं है okay. और अगर उसने दी हैं और कुरान में ये साबित है कि ये साबित हुआ है कि उसने दी हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन अफजल था ये सारे अम्बिया अफजल थे या मोहम्मद वाले मोहम्मद इनसे अफजल हैं तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न शिया अकीदा मोहम्मद व आल मोहम्मद जो है वह सारे अम्बिया से अफजल हैं तो फिर वह कहेंगे कि अगर मोहम्मद वाल मोहम्मद सारे अम्बिया से अफजल हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके पास विलायत तकमीनिया थी तो इनके पास भी है और वो कहेंगे कि हम आपको जो है हदीसों से यह साबित कर सकते हैं कि उनके पास थी और अगर जो है आप ये भी कहें कि हदीस ये रिलायबल नहीं है और या ये टकरा रही ये है या वो है तो कम से कम कम से कम क्योंकि जो है कुरान में जो है दिलायत तकवीनिया का जिक्र है नॉट विद दर्ड तकवीनिया बट इसका जिक्र है खुदा ने जो है मुख्तलिफ शख्सियातों को यह दिया है मुख्तलिफ अम्बिया को यह दिया है तो कम से कम इसे शिरक नहीं कहा जा सकता है दिस इज दर्ग्यूमेंट इसमें बस इतना फर्क होगा कि आप मान लें कि अहल बैतः के पास है या नहीं है या तो सही है या गलत है मगर शिरक नहीं है दिस इज दर्ग्यूमेंट तो इनशाला इन द नेक्स्ट एपिसोड हम इस मामले को आगे ले जाएंगे और हम दिखाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स ये जो है विलायतिया के लेवल पे नहीं आते हैं और कोई एक्सेप्शन नहीं है जीरो एंड किसी के पास भी नहीं है अल्लाह सुहा तला बार बार जो है वो बताता है कि एक मेरी चीज है कुन, या कुन मेरी चीज है दी इज नो एक्सेप्शन एंड देर कोई ऐसी चीज जो खालिस खुदा की है जहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है तो उसमें जो है अगर आप किसी और को जो इन्वॉल्व करें वो शिरक हो जाता है और शिरक जो है वह मीम है। वो, है वो एक बात है जो इंसान को जहलम की तरफ ले जाती है और ये एक ऐसी चीज है एक ऐसा गुना है जिसपे जो है अल्लाह अला सुनान ने कहा है कि इसकी कोई माफी नहीं है तो हमें इस बात को बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए इससे पहले कि हम इतने बड़े बड़े दावा कर लें कि जो है उनके पास जो ऐसी ऐसी पावर्स थी कि बेसिकली वो एक चीज को कह सकते हैं अब चाहे वो कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर ले चाहे कह दें कि जो है अब जो है यू नो बॉल बन जाओ जो हवा में जो है एक बॉल बन गई या गाड़ी बन जाओ या यू you नो know, सूरज डूब जाओ या जो भी यू you नो know, ये दिस पावर दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ पावर कि जो है वो कायनात में इंसान जो चाहे कर दैट इज विलायत तकवीनिया ये अहल बैत के पास थी प्रॉफिट मोहम्मद के पास थी या नहीं थी तो इसका कोई सबूत नहीं है कुरान में नहीं है आम, मगर ये है कि और आयाते हैं जो और शख्सियातों के मुतालिक हैं और इनशाला अगले एपिसोड में हम उन आयातों को देखेंगे और नापेंगे कि ये विलायत तकवीनिया के लेवल पे आती या नहीं है इज दैट विलायत तकमीनिया और इज इट समथिंग एल्स इज़ इट समा फॉर एग्जाम्पल واخر دعوانا للحمد لله رب العالمين